नाबालिग की कार ड्राइविंग ने ले ली दो लोगों की जान। फिर जब पुलिस ने पकड़कर पहुंचाया न्यायालय के पास तो न्यायाधीश बोले नाबालिग है इसलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन घटना पर निबंध लिखकर दिखाओ। मामला सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है ट्रोल, हम खोलेंगे इस मामले की हर पोल। ट्रैफिक नियम कहते हैं कि नाबालिग के हाथ में ना मोटरसाइकिल का हैंडल दीजिए और ना कार की स्टेयरिंग। अगर कोई ऐसा करता है तो वो नाबालिग की जान से खिलवाड़ करने के साथ सड़क पर चलने वाले तमाम लोगों को भी मौत के मुंह में झोंक रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में एक नाबालिग बच्चे ने कार चलाते वक्त दो लोगों की जान ले ली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आज हम आपको इसी खबर के बारे में पूरी जानकारी क्रमवार तरीके से बताने जा रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे से सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक नाबालिग ने कार चलाते हुए दो इंजीनियरों की जान ले ली। इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दूसरे साथी ने अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया, तो वहीं अपनी पहली कार्यवाही में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ ही घंटों में कार ड्राइवर को कोर्ट से जमानत मिली। इस दौरान कोर्ट ने उस नाबालिग को घटना पर निबंध लिखने की सजा दी। इस आदेश के खिलाफ पुणे सीपी अमितेश कुमार जिला न्यायालय में अपील करते हुए मीडिया से बताते हुए कहा कि आईपीसी 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग होने के कारण कोर्ट में अर्जी दी गई कि नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए, कोर्ट ने परमिशन रिजेक्ट की है। आज हम उस आदेश के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील कर रहे हैं और अदालत के आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं इस मामले को लेकर नाबालिग के पिता और उसे शराब पिलाने वालों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़के ने शराब पी रखी थी, ये बात सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गई है। कार उसके पिता के नाम पर थी, उस पर नंबर प्लेट क्यों नहीं थी, नंबर प्लेट कब जारी की गई थी, अस्थायी नंबर प्लेट कितने समय तक चली और कार किन परिस्थितियों में गैराज से बाहर निकली, इन सभी विषयों पर पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं मृतक अनीश दुधिया के चाचा अखिलेश अवधिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये केस वास्तव में 304A का है, पुलिस ने गलत विवेचना की है, बेल की कंडीशन हास्यास्पद है, नए एक्ट के मुताबिक 7 साल की सजा है। महाराष्ट्र में पुलिस बिक चुकी है, 304A के तहत आरोपियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। आरोपी 3 करोड़ की कार चलाता है। उसी के साथ मृतक के परिजनों ने आगे बताया कि यदि कोई आम आदमी होता तो फंस जाता, बिजनेस टाइकून का बेटा है इसलिए छूट गया। उसने पहले भी एक्सीडेंट किया था लेकिन तब भी छूट गया और इस बार भी छूट गया। आरोपी ने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या की है, ये तो मानव बम है। आरोपी को इस तरह छोड़ दिया जाता है तो ये कल किसी और को भी मार जाएगा। पिता ने कैसे गाड़ी दी, उनके माता पिता को कोर्ट में ले जाना चाहिए, 3 करोड़ की गाड़ी कैसे दी, पूछा जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों का क्रोध देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पुलिस ने मामले को तूल पकड़ता देख लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।